हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपके सामने नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं, उनको लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, हम लोग का ये जो सेगमेंट चल रहा है रोज रात को 10 बजे, मैं नेट के जो फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ, कोई ना कोई यूनिट पूरी कराता रहता हूँ। आज मेरी जो कोशिश है वो ऐसी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसके लिए मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि जो इसमें पढ़ाना है, तो सबसे पहले काम करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए दूसरों को। ठीक है, जो दोस्त सो रहे हैं वो सब आ जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो खाना खाने चले गए होंगे, सो रहे होंगे, वो सब लोग आ जाएं, इसलिए जरा एक बार शेयर हो जाए, बहुत अच्छे। तो दोस्तों शुरुआत करने चलते हैं, सभी लोग को हेलो हाय मेरी तरफ से। तो आज जो है, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, इसलिए आप लोग जरा एक्टिव रहिए और लंबे समय तक रुकिए। अभी आज जो मैं लेके आया हूं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज को। क्या लेके आया हूं? टीचिंग एप्टीट्यूड के जो हमारा शिक्षण अभिवृद्धि जो नेट का पहला यूनिट है उसके एमसीक्यूज को लेके आया हूं। इसको देखना शुरू करते हैं सबसे पहले बिना टाइम लिए। सबसे पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और बाकी लोग को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। सबको प्रणाम, सबको मैं देख रहा हूं यहां से। ठीक है, कवि नीरज सिंह जी नमस्ते, दुष्यंत जी नमस्कार, बहुत अच्छे, सभी को नमस्ते। अभी समय कम है, जल्दी से काम करना है, इसलिए आगे चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट देख रहा हूं, आंसर आपको देना है, बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा, इसलिए आप लोग आंसर देना शुरू करिए यहां से। क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं, क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है, शिक्षण में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का जो है, पढ़ाना जो होता है ना दो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, शिक्षण का यानी ये टीचर जो है वो स्टूडेंट को, यहाँ टी लिख देता हूं, टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको बताया है शिक्षण का, पूरे शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यक्ति को समाज, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाके उसको समाजोपयोगी तत्व बनाना, ये था, है ना। अब इसी बात में से इस बात को निकालिए और आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा, जल्दी आंसर दीजिए। बहुत लोग सही दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, बात साफ, यानी कि इसका मतलब मेरा पढ़ाना कुछ हद तक सफल हो गया। क्या है तो इसका, देखिए, केवल तर्क शक्ति का विकास करना एक चीज, ये दूसरा केवल चिंतन शक्ति का विकास करना ये है। तो इन दोनों को मिला के, यानी कि तर्क शक्ति का विकास और चिंतन शक्ति का विकास, यानी कि शिक्षण का जो स्कूल वाली शिक्षण जो पद्धति होती है, मैंने आपको एक बात बताई थी, शिक्षण में दो बातें बताई थी, एक तो व्यापक परिभाषा आपको बताई थी और दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताई थी, दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी संकुचित। क्या बताई थी? संकुचित। अब जरा इस परिभाषा पे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को डीपली समझ लेंगे। क्या है संकुचित वाली परिभाषा? स्कूल के लिए थी। किसके लिए थी? स्कूल कॉलेज के लिए, जो हम जाते हैं पढ़ाई करते हैं उसके लिए थी। वहां पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? वो ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे उसकी तर्क शक्ति का विकास हो, वो तर्क के द्वारा चीजों को समझ सके या फिर उसके बाद चिंतन कर सके, चिंतन शक्ति का विकास हो। यह कहने को दोनों अलग हो सकती हैं लेकिन लगभग बातें सेम हैं, इसलिए आंसर ए और बी ये होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए और बी। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं और आप लोग के समय कम है, आप लोग जो है आईपीएल देख के अभी अभी आए होंगे या हो सकता है चल भी रहा हो, तो समय बड़ा नष्ट हो रहा होगा ना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को रीड करता हूं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। शिक्षण की गुणवत्ता किससे परिलक्षित होती है? क्या कह रहा है? शिक्षण की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो किस चीज से परिलक्षित होती है ये बताना है। यानी कौन सी ऐसी चीज है जिससे पता लगता है कि शिक्षण की गुणवत्ता कैसी है, कैसी पढ़ाई हो रही है, ये कैसे पता लगता है? जल्दी से आंसर कीजिए एक बार फटाक से। क्या आंसर होगा? इंग्लिश में भी करा दीजिए सर जी। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, कोशिश करता हूं अगले सेगमेंट में इंग्लिश में लेके आने का। ठीक है, टू ए सी, यहां आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। बहुत अच्छा राहुल सैनी, आपका आंसर सही है। श्याम किशोर जी अच्छा है। पूजा, आप लोग का आंसर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आंसर ठीक है। इसका आंसर है सी। क्या है? विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता से किससे पता लगता है कि शिक्षण किस प्रकार का है?
शिक्षण जो है जब बच्चों से क्वेश्चन क्वालिटी के पूछे जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे पता लगता है कि शिक्षण अच्छा है। यदि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है तो मैं कठिन से कठिन प्रश्न यहां रखूंगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। यही शिक्षण की गुणवत्ता होती है। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, ये क्लियर हुई। बहुत बढ़िया जन्नत मलिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह बात क्लियर हो गई ना? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रभावी शिक्षण वह है जो क्या, आगे बताइए। एक प्रभावी शिक्षण क्या होता है? एक प्रभावी शिक्षण वह है जो क्या होगा, जल्दी बताइए। प्लीज साइड, मैं हट जाऊं, आप देखिए क्वेश्चन देखिए, मैं हट गया हूं, जल्दी आंसर दीजिए, सिर्फ आपके पास 5 सेकंड है। हाँ, इसका आंसर भी सी बता रहे हैं विद्यार्थी, कह रहे हैं एक प्रभावी शिक्षण है यानी जो इफेक्टिव शिक्षण होता है, जो प्रभावी शिक्षण होता है उसमें विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? जब जैसे मान लीजिए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप लोग 10 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि संदीप सर आएंगे और आज कुछ बढ़िया पढ़ाएंगे, आज हमारा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये आप सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा शिक्षण क्या है? प्रभावी है, इफेक्टिव है, जो आपको समझ में आता है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, करेक्ट है ना? ये भी आप लोग का सही है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है चौथा क्वेश्चन। यदि आप एक शिक्षक हैं, क्या हैं? आप एक टीचर हैं, तो क्या है, शिक्षक है, तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? यहां व्यवहारिकता की बात है। यह मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर दीजिए फटाक से। मैंने यह पढ़ाया है आपको, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। डी आप लोग का आंसर चल रहा है, बहुत बढ़िया। परिस्थितियां जैसी होंगी, आपका आंसर आ रहा है परिस्थितियां जैसी होंगी, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन सॉरी टू से दैट, यहां पर परिस्थितियां जैसी होंगी ये आंसर नहीं होगा। यहां क्या होगा? मैंने आपको बताया था लोकतांत्रिक, कैसा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अब ये लोकतांत्रिक क्या होता है? आप कहेंगे सर डेमोक्रेसी की बात कहां पढ़ाई में आ गई, है ना? लोकतांत्रिक मतलब तो डेमोक्रेसी होता है, लेकिन डेमोक्रेसी के नेचर की बात यहां पर है। डेमोक्रेसी की प्रकृति कैसी होती है? जहां जनता को भी पूर्ण छूट होती है और जहां सरकार को भी पूर्ण छूट होती है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना? दोनों के बीच में सामंजस्य की भावना होती है, कम्युनिकेशन होता है बिना डरे। जनता सरकार से नहीं डरती है, ना सरकार जनता से डरती है, लेकिन दोनों लोग अपने स्तर पर काम करते हैं। जनता ने ही सरकार को ये पावर दी है कि सरकार काम करे। ठीक उसी प्रकार से वो स्टूडेंट्स जो हैं वह एडमिशन लेते हैं, शिक्षक को ये पावर है, वो उनसे ऊपर जरूर है लेकिन कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या हो गया भाई? सॉरी सर फॉर माई मिस्टेक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जवाब देते रहिए, मजा आ रहा है ना? आइए अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि बताइए क्यों है? आंसर करिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं 5 सेकंड आपके पास। चलिए शैलेश कुमार, यस में लिखिए जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करिए जल्दी से। लिख रहा है शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि, क्योंकि क्या है? जल्दी आंसर दीजिए फिर मैं बताता हूं। यहां आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हटिए, मैं हट गया, लीजिए पढ़ने में आ रहा है ना, मैं हट गया हूं आपके लिए, मैं कहिए वहां चला जाऊं पीछे से बोलूंगा क्वेश्चन, आप परेशान मत होइए, लेकिन आंसर दीजिए, मजा आए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में टकराने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। मूल बात को समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। कल लाऊंगा एकदम जोरदार क्वेश्चन। चलिए जल्दी से, बहुत आंसर दिए आपने, सी सी ए बी, बहुत लोग कंफ्यूज हैं भाई, इतना कंफ्यूजन होगा तो काम कैसे चलेगा। लेकिन बेसिकली लोग आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग, मेरा पढ़ाया सफल, आप सबको नमन। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो जिन्होंने सी दिया उनको धन्यवाद, बाकी लोग को एक बार फिर सोचना पड़ेगा। आंसर है सी। क्या आंसर है? आंसर है सी, शिक्षकों के लिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, शिक्षकों के लिए शैक्षिक, क्या? शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि। शैक्षिक दर्शन शास्त्र क्या होता है? कोई बच्चा कैसे पढ़ता है, उसकी समझ क्या है, उसका इक्विलिब्रियम। दर्शन का मतलब ही होता है उसकी प्रकृति और नेचर को जानना, किसी भी चीज की प्रकृति और नेचर को जानना, यह दर्शन का मतलब होता है, दर्शन शास्त्र का यही मतलब होता है। तो यहां पर शैक्षिक का क्या मतलब होगा? तो शैक्षिक का मतलब क्या होगा?
तो शिक्षकों के लिए ये शैक्षिक बात कर रहा है, शैक्षिक का मतलब है शैक्षिक दर्शन शास्त्र, मैंने पढ़ाई की चीजों को, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, छोटे बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए, बड़ी कक्षाओं के बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए, जब इन सबका अध्ययन करेंगे उसको शैक्षिक दर्शन शास्त्र में कहा जाएगा। कहता है शिक्षक स्वयं का दर्शन विकसित करने में असफल रहता है, इसलिए उसको शैक्षिक दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए। मेरी क्या कमी है, मैं जान सकता हूं क्या, मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं तेज बोल रहा हूं आपको ना सुनाई दे रहा हूं, मेरी गलती है ये, मैं अनुमान लगा रहा हूं अपनी गलती का। लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर आप पढ़ाते हुए क्वेश्चन बोलने के बाद सामने खड़े हमें नहीं दिख रहा, अब ये मेरी गलती है, आपने कमेंट किया मैं साइड हट गया, तो क्या है यहां पर कोई दूसरा बता सकता है। और शिक्षक की गलती छात्र ना बता करके शैक्षिक दर्शन शास्त्र जब शिक्षक पढ़ेगा तो उसको अपने आप अनुमान हो जाएगा कि प्रश्न के बाद बोर्ड से हट जाना चाहिए, पीठ दिखा के बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए, यह सब शैक्षिक दर्शन शास्त्र में ही तो है। तो शिक्षक की कमी कहां से पता लगेगी, इसी से पता लगेगी, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना, सर सामने से हट क्या, हटा कीजिए, धन्यवाद धन्यवाद, मैं आपकी बार हट जाऊंगा, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं हटूंगा तब आपको आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से दिख रहा है आपको, क्वेश्चन है आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय क्या है, क्वेश्चन है आपके जो है विचार में, हमारे विचार में शिक्षण व्यवसाय क्या है। ये क्वेश्चन जो है डिपेंडेंसी और सबके जो सामने जो व्यक्ति है यानी हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग पर डिपेंड करेगा। आंसर दीजिए जल्दी से, सिक्स का आंसर क्या है, सी 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 चल रहा है, बहुत बढ़िया, क्या है सी चल रहा है, इसलिए क्योंकि ये वाकई में यही है, सम्मानजनक पेशा है, टीचर का सबसे ज्यादा आदर होता है, कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए उनका डर के मारे होता होगा, लेकिन एक टीचर एक शिक्षक का सम्मान किस पर होता है, उसकी एफिशिएंसी पर, उसकी क्वालिटी पर, उसकी नॉलेज पर, उसके ज्ञान पर, कि वो कितना अच्छा कनेक्टिविटी करता है, कितना अच्छा पढ़ाता है, उसका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, इसी बात पर होता है ना। स्टूडेंट उससे डरता नहीं है टीचर से, स्टूडेंट तहे दिल से सम्मान करता है कि इन्होंने मेरा भविष्य बनाया है ना, तो इसलिए क्या है सम्मानजनक पेशा है। फिर बात अलग है कि आरामदायक है कि नहीं, आरामदायक टीचिंग का पेशा आरामदायक नहीं है। अब मुझे बताइए कि मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं रात को 10 बजे, मुझे क्या पढ़ी है भाई रात को 10 बजे पढ़ाने की, लेकिन क्योंकि बाई हार्ट मेरे को लगता है कि मैं मेरा जो पैशन है वो टीचिंग है, मुझे पढ़ाना चाहिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं। तो सम्मानजनक पेशा है, आप लोग इतना प्यार देते हैं ये सम्मानजनक ही तो है, नहीं तो मेरा आपका क्या और कुछ भी नहीं है, है ना, तो ये सम्मानजनक है, यहीं से चलते हैं। तो ये वाला आंसर क्लियर हो गया आपका, सबके लिए आंसर सबका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन पढ़िए, सातवां क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम में पाठ्य सह सामग्री माने वो सामग्री, देखिए मैं दिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, पाठ्य सह सामग्री वह सामग्री होती है जो पढ़ाते समय सहायक होती है, सहायक काम आती है, सह सामग्री क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है, ठीक है। सह सहगामी क्रिया मैंने वह सामग्री, यहां पर सामग्री नहीं सहगामी क्रियाएं हैं, यानी कि एडिशनल सहायक एक्टिविटीज, ठीक है। मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं अपने हाथों के रिएक्शन दे रहा हूं, हाथों के तरीके से समझा रहा हूं किसी चीज को, ये क्या है, ये सब क्रियाएं ही है, ये पाठन की सहक्रियाएं हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने एक लेक्चर में सीटी मार के भी आपको समझाया था कि ये भी कम्युनिकेशन है, तो ये क्या है, ये सब सह सामग्री क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसमें आंसर क्या होगा जरा बताइए, मैं हट रहा हूं जरा जल्दी, ए ए सबका ए चल रहा है, सबका ए चल रहा है, सी आ गया, बहुत अच्छे, क्या बात है, नहीं वाकई बहुत शानदार भाई। इसका आंसर होगा अधिगमकर्ता को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए। मैं आपको कोई एग्जांपल क्यों देता हूं, मैं सीटी मार के क्यों बता रहा था, मैं बाकी काम क्यों कर रहा था, इसलिए कर रहा था क्योंकि क्या था, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता था। अब ये अधिगमकर्ता कौन है भैया, इसमें आप लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, आप अधिगमकर्ता हैं, मैं शिक्षक हूं, ठीक है ना। तो अधिगमकर्ता को अच्छे से समझाने के लिए सह पाठ्य सामग्री जो होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी, आठवां क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं, यह बताइए भाई आप मेरे किस गुण को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अध्यापक तो मैं भी हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, मैं अपने ऊपर ही सारे एग्जांपल फिट कर रहा हूं। बताइए कि आप जो है एक टीचर में किस गुण को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करिए इन चारों में से, सी सी ए ए सी ए सी ए, ज्यादातर बच्चे सी और ए में कंफ्यूज हैं, बहुत अच्छे,
बहुत 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 धन्यवाद। आपको आंसर बता देता हूं, समय कम है इसलिए। आदर्शवादी दर्शन, आदर्शवादी दर्शन माने देखिए, एक होता है दर्शन, दर्शन माने किसी प्रकार को समझाना, ठीक है, किसी प्रकार का जब एग्जाम्पल सेट करिए। तो वो अगर मैं घटिया एग्जाम्पल सेट करूं, घटिया एग्जाम्पल माने फुहड़ एग्जाम्पल सेट करके आपको समझाऊं किसी चीज को, तो क्या लगेगा आपको, ये टीचर बड़ा खराब है, बड़ा घटिया तरीके समझाता है। लेकिन आजकल को स्टूडेंट को मजा आता है उसमें, अच्छा नहीं है ये। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण रखकर जो टीचर आदर्शवादी दर्शन वाला होगा, वो जब पढ़ाएगा तो क्या होगा, क्या कहलाएगा, तो वो माना जाएगा। इसलिए छात्र सबसे ज्यादा गुण क्या पसंद करते हैं, टीचर का आदर्शवादी दर्शन। टीचर एक आदर्श रूप में होना चाहिए, क्योंकि टीचर ही समाज की बेसिक नीड है, जो बेसिक नींव होती है, जो हमारी सबसे नीचे होती है, वही किसी भी चीज को खड़ी करती है। एक स्टूडेंट को बचपन से कौन खड़ा करता है, उसके शिक्षक का सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इसलिए ये इसका आंसर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं जिनका गलत हुआ। अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, पूछ रहा है। स्टूडेंट की जो प्रगति होती है, प्रगति माने जो उसका डेवलपमेंट हुआ पढ़ाई में, उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। चलिए जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स खोले रहिए, रुकना नहीं है आप लोग को। सर आराम से बोलिए, अच्छा समझ में नहीं आ रहा क्या, कोई बात नहीं, जी जी बहुत अच्छे, ए बहुत अच्छे, आप लोग का आंसर सही है, आप लोग को धन्यवाद। ए ही इसका आंसर है, उनका परीक्षण करना, यही आंसर है, उनका परीक्षण करना, उनका टेस्ट लेना, बाकी सब नहीं हो सकता, उनकी वृद्धि देखना। ये देखेगा तो फिर मूल्यांकन नहीं करेगा ना, उसकी क्या है, प्रगति जानने के लिए टेस्ट लेना जरूरी है। टेस्ट लेगा तभी पता लेगा कि वो कितना पढ़ पाया है कि नहीं है, परीक्षा इसीलिए होती है ना। तो ये प्रगति जानने के लिए उनका परीक्षण करना, अब ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, प्रश्न है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, बताइए सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, आंसर करिए जल्दी से। आदर्शवादी दर्शन, ये तो बीत गया, अगले क्वेश्चन पे आइए। दसवां क्वेश्चन का आंसर बी आया है, पहला आंसर दसवें का बी, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है, शाबाश, जल्दी बताइए किसका पड़ता है, जो साथ में स्टूडेंट पढ़ता है उसका, दोस्तों का, अध्यापक का, माता पिता का, किसका पड़ता है, जल्दी से, पड़ता सबका है थोड़ा थोड़ा, सबसे ज्यादा किसका पड़ता है, सबसे ज्यादा बी आंसर आ रहा है कि बी का पढ़ता है, नहीं सबसे ज्यादा पढ़ता है माता पिता का। टीचर के साथ एक स्टूडेंट अधिकतम 6 घंटे को स्कूल में रहता होगा, वो भी टीचर के पीरियड बदलते होंगे तो चले जाते होंगे, दूसरा टीचर आता होगा, तो टीचरों के साथ रह सकता है पर किसी एक टीचर का नहीं पढ़ सकता है। सबसे ज्यादा समय किसके साथ रहता है, माता पिता के साथ रहता है, यानी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सबसे अधिक प्रभाव माता पिता का पड़ता है, आंसर ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम का सर्वोच्च स्तर है किसका, अधिगम का सर्वोच्च स्तर है, सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है, जल्दी बताइए आंसर, जल्दी आंसर करिए, सबसे कठिन का प्रश्न है ये भी, चलिए जल्दी आंसर, सर कौन सा ईयर का सॉल्व पेपर है प्लीज बता दीजिए, ये प्री ईयर का नहीं है, ये मॉक टेस्ट है, ये मैंने तैयार किए हैं, BBAA चल रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों ने ए और बी दिया, आप कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए कोई बात नहीं, आंसर बताता हूं, अवधारणात्मक अधिगम किसका पड़ता है, सर्वोच्च स्तर कौन सा है, अवधारणात्मक अधिगम का पड़ता है, अवधारणा के आधार पर जब पढ़ते हैं तब, अवधारणा क्या होता है मालूम है ना, तो अवधारणा के आधार पर जब पढ़ते हैं तो माना जाता है अधिगम का सर्वोच्च स्तर क्या है, अवधारणात्मक अधिगम। ये मेरा लेक्चर जो पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें आपको ये मैंने बताया है, इस बार वाले में भी और इसके पिछली बार जब दिसंबर में पढ़ाया था तब भी, उन दोनों लेक्चरों में इसको बताया था मैंने ब्रीफली। अवधारणात्मक अधिगम जो होता है वह अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर होता है, सबसे टॉप का स्तर होता है, ठीक है। क्या है, किसी भी चीज की जब हम शोध करते हैं, शोध मान लीजिए कि हम आप बीए कर रहे हैं, एमए करेंगे, एमए के बाद क्या करेंगे, शोध करने चले जाएंगे, है ना। अब जब ये शोध करेंगे, यहां पर आप कोई ना कोई अवधारणा को लेकर ही कार्य करते हैं, परिकल्पना को लेकर कार्य करते हैं, तो वह किस प्रकार का अधिगम है, उस प्रकार की कोई भी अवधारणा को जब हम समझेंगे, वो सबसे ऊंचा स्तर होता है पढ़ने का, लर्निंग का, अधिगम माने लर्निंग का, वो सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, इसलिए आंसर होगा अवधारणा, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है,
अगला क्वेश्चन कहता है अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि किसके लिए जो लीड टीचिंग है जो प्रोसेस है इसको अच्छे से सुचारू रूप से चलने और पूरा होने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, बताइए सबसे आवश्यक क्या है, आंसर दीजिए जल्दी से। आर्ट स्केचिंग मैंने बताया आपको, ये कौन है भैया आर्ट स्केचिंग जो भी है, खैर उनको बता रहा हूं कि ये किसी ईयर का नहीं है, तैयार किए गए क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है बहुत अच्छे, डी 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 डी, बिल्कुल राइट आंसर है सबका, डी होगा, क्यों विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त होना ही चाहिए, आपका हमसे सहयोगी तो प्राप्त हो रहा है, विद्यार्थियों को सीखने की भावना है तो आपकी सीखने की भावना तब आप बैठे हो इस समय, इसके बाद शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण है, अगर मैं पढ़ा अच्छा रहा हूं तभी आप यहां टिके हैं, तो सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि आंसर होगा डी, ठीक है ये हो गया आपका आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, ये क्वेश्चन को बताइए, मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है, बहुत ही कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ये, किसका है कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, जरा जवाब दीजिए जल्दी से, मानव द्वारा किए जाने वाले संप्रेषण किसके माध्यम से संपन्न होता है, जल्दी से आंसर करिए, बी बी आ रहा है ज्यादातर, सी भी आया विजय मीना सी, बहुत अच्छे इतनी तेजी से दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर आना शुरू हुआ, सी सी सी, ज्यादा लोगों ने कहा सी, शाबाश सी से होता है, क्योंकि मैंने आपको कम्युनिकेशन में सबसे पहले बताया था बेसिकली तीन प्रकार के, क्या बताए थे, तीन प्रकार के माध्यम होते हैं, एक सुनने वाले एक देखने वाले और एक क्या होते हैं, एक सुनने वाला एक देखने वाला और एक कौन सा होता है, एक सुनने देखने दोनों वाला होता है, होता है ना, तो वो तीनों को मिला करके, यानी एक को श्रव्य कहते हैं एक को दृश्य कहते हैं एक को श्रव्य दृश्य कहते हैं, तो इनको मिला करके ये किससे होते हैं, हमारी इंद्रियां ही तो काम कर रही हैं, आंख देख रही है कान सुन रही है ना, ये कान और आंखों का ही काम है, तो ये दोनों इंद्रियां हैं, इसलिए काम कहां से है, इससे है, यहां पर मस्तिष्क भी नहीं होगा, मुख भी नहीं होगा, हाथ पैर भी नहीं होगा, सिर्फ इंद्रियां होगा, हाथ पैर भी इंद्रियों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम पांचवा इंद्रिय किसको मानते हैं, त्वचा को, किसको मानते हैं त्वचा को, तो आपका आंसर है सी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, बताइए, ये तो आप लोग सब टीचर बनने वाले हैं, भगवान करे सबको जेआरएफ मिले और सबके सब लोग जाके पीएचडी करके यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज कॉलेजेस सब जगह प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर एसोसिएट बने, कल को प्रोफेसर, भगवान करे पीवीसी भी बने, तो खैर अभी इसको बताइए कि अगर जो है विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे, आंसर जल्दी सी, आप लोग सी को पकड़ के बैठ गए कि सर सी बहुत बोल रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा ए, उसकी उपेक्षा कर देंगे, याद रखिए जब एक एक स्टूडेंट को आप थोड़ी देर समझाइए और वो फिर भी ना माने तो टीचर उसको क्या करता है, उसको निग्लेक्ट करता है और बाकी स्टूडेंट के साथ बातचीत करना शुरू करता है, तो उसको थोड़ी देर बाद लगने लगता है कि वो अकेला पड़ गया, ये एक आसान तरीका है बिना कुछ कहे बिना कुछ किए, ऐसा होता है सामान्यता, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है, बताइए जल्दी, एकीकृत शिक्षा की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है, जल्दी बताइए एकीकृत शिक्षा की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, तो सबसे पहले है समुदाय पर करती है, शिक्षण अधिगम की उत्तम शिक्षण वस्तुओं पर करती है, किस पर करती है, एकीकृत शिक्षा, ध्यान दीजिएगा शब्द एकीकृत शिक्षा की बात कर रहा है, जो जब एकीकृत शिक्षा का मतलब है एक ही पैटर्न पे सारी पढ़ाई चल रही हो, एकीकृत शिक्षा उसकी बात कर रहा है कि क्या होगा, तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइए, आंसर आ रहा है बी बी बी, बहुत अच्छे अभिषेक जी, रोली गुप्ता, विनीता, प्रीति, बहुत अच्छे आप सब लोगों का आ रहा है, अर्चना डी आ गया आपका है, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छा है, आंसर इसका यही है वस्तुओं की उत्कृष्टता, क्या है वस्तुओं की, जो है पाठ्य पुस्तकें जो हैं, जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं जो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आकर उत्कृष्ट हैं यानी बहुत अच्छे प्रकार की हैं, उनमें अच्छे प्रकार की नॉलेज की बात की गई है, तो यही होगा एकीकृत शिक्षा की सफलता पर निर्भर है, यानी अगर अच्छी पाठ्य पुस्तकें होंगी तो एकीकृत शिक्षा अच्छी होगी, वो सफल होगी, यही इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा एकीकृत शिक्षा शब्द को, ये हो सकता है परीक्षा में टकरा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आंसर दीजिए जल्दी से, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आंसर जल्दी जल्दी आंसर करिए, इकोनॉमिक्स लाइफ टाइम सर, अरे अभी क्या बात करें,
सारे के सारे नकलची हैं, राजीव परिहार। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग नकल मत मारिए, सब लोग जो है आंसर दीजिए, गूगल मत करिए, आंसर दीजिए, तुक्का मारिए, कुछ समझा तो रहा ही हूँ ना, जब समझाऊंगा तभी काम चलेगा आगे। किताबें सबके पास हो सकती है लेकिन ज्ञान की बात सब जगह नहीं है, गूगल पे बहुत ज्ञान है, वहीं से पढ़ना चाहिए, लेकिन कितने लोग पढ़ के समझते हैं, यानी कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, ये हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। ठीक है, आंसर आ गया आपका डी डी डी, बहुत अच्छे। चलिए डी आंसर आ गया है, इसका सही आंसर वास्तविकता में डी ही है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो जो पढ़ा रहा है उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसका मूल्यांकन करना। आज मान लीजिए कि मैंने इतना सब पढ़ाया है, मैं मूल्यांकन कर रहा हूं, प्रश्न दे रहा हूं और आपके उत्तर देख रहा हूं, मैं भी आपका मूल्यांकन कर रहा हूं कि मैंने कितना पढ़ाया, कितना समझ में आ रहा है। सर जी उत्तर सही हो उनका नाम बोलो। राजीव परिहार जी, अगर इतनी तेज कमेंट आ रहे हैं, आप खड़े होंगे आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, मैं तो वैसे भी स्पेक्स लगा के पढ़ रहा हूं, खैर लेकिन नाम मैं फिर भी आपको, देखिए आपका कमेंट तो पढ़ लिया ना मैंने, कोई बात नहीं मैं नाम बोलूंगा। ठीक है जी जी, मैं नाम बोलता हूं। ठीक है, रागिनी कुमारी ने ए कहा है, दीपक जी ने कहा है, प्रिया तिवारी हा हा हा, अरे हंसिए मत, आंसर दीजिए भाई। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी मैंने पूरा पढ़ाया आपको, मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन करना टीचर का सबसे अहम कार्य होता है, जिसके आधार पर वो तय करता है कि जो उसने ज्ञान नॉलेज डिलीवर्ड किया है, दिया है, वो कितना प्राप्त किया। ठीक है, इसलिए मूल्यांकन करना, ये आंसर हो गया। 17वें क्वेश्चन को देखिए, जल्दी आंसर दीजिएगा 17वें का भी, ठीक है समय क्योंकि कम है। एक आदर्श शिक्षक वह होता है, आदर्श शिक्षक कौन सा होता है जरा बताइए, किनमें से क्या होना चाहिए आदर्श शिक्षक होगा वो। एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो पाठ्यक्रम पूरा कर देता है, या एक आदर्श शिक्षक सीखने विद्यार्थियों की सहायता करता है, वह एक मित्र होता है, आदर्श शास्त्री और निर्देशक की तरह कार्य करता है, या अच्छा अनुशासन बनाए रखता है, कौन सा हो सकता है। देखिए सी 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 सी, बहुत तेज, बहुत बढ़िया, आप लोग का सबका सी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर वास्तविकता में सी है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था एक टीचर को मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, और पढ़ाते समय एक दर्शन शास्त्री की तरह कार्य करना चाहिए, और समझाते समय निर्देशक की भूमिका में होना चाहिए। ये तीनों चीजें जिस टीचर में है वह एक आदर्श शिक्षक बन जाता है। ठीक है, वह एक आदर्श शिक्षक बन जाता है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या, प्रश्न पूछने से आंसर दीजिए क्या होता है इनमें से। अगर एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता तो क्या होता है, आंसर क्या होगा, जल्दी करिए, जल्दी आंसर करिए, क्या होगा आंसर। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में अगर प्रश्न पूछने से क्या होता है, विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं, अनुशासन बना रहता है, विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित होता है, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, क्या होता है। मैं अगर प्रश्न पूछ रहा हूं तो आप लोग का क्या हो रहा है, आप लोग का क्या हो रहा है बताइए, आप लोग का ध्यान आकर्षित हो रहा है किसकी तरफ, पढ़ाई की तरफ। आंसर इज दैट, ये है सी आंसर होगा इसका भी। ठीक है, क्या होता है, ध्यान आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपण क्या होता है भाई, किसी चीज को खुले में छोड़ देना प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, प्रक्षेप करना, स्थापित कर देना, प्रक्षेपण कहते हैं ना, रॉकेट प्रक्षेपण कर रहे हैं। ठीक, तो क्या इनमें से क्या होगा, मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, इनमें से सभी, कौन सी विधि को प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं शिक्षण की, आंसर जल्दी। अरे भैया, अगर सी हर क्वेश्चन का आंसर होगा तो बाकी क्या है, बाकी थोड़ी मैं जोड़ के लाया हूं, आंसर क्या होगा, सब लोग सी। अच्छा डी भी आ रहा है, बहुत अच्छे डी भी आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आंसर क्या होगा इसका, प्रक्षेपण विधि को कथाबोध विधि भी कहते हैं। कथाबोध विधि क्या है, कथा के माध्यम से नॉलेज को जो है प्रक्षेपित कर देना, कथाबोध विधि को कौन सी विधि कहते हैं, प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रक्षेपण विधि को सरल भाषा में क्या कह सकते हैं, कथाबोध विधि। सर बोर्ड एग्जाम से ऊपर भी वीडियो प्लीज, क्या एग्जाम के सकता है, अच्छा अच्छा अभी क्या है, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास
अत्यंत आवश्यक है। किसका? नैतिक मूल्य का, एथिक जो होते हैं हमारे, उनका विकास आवश्यक है। आप एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों के विकास के लिए क्या करेंगे, यानी विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का विकास करना है, इसके लिए आप एक शिक्षक हैं, आप सब लोग शिक्षक हैं, बताइए क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए जल्दी। मैं देख रहा हूं डिस्प्ले की तरफ, मैं क्वेश्चन से हटाऊं, आप लोग पढ़ लीजिए। सी आंसर आ रहा है, अली अली आपका भी सी है, पूजा डी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए लगभग सब लोग का आंसर आ रहा है, किसी के ज्यादातर लोग डी बोल रहे हैं, यहां भी आंसर सी है, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन करके। कैसे किया जा सकता है? आप स्वयं के आदर्श के मॉडल के रूप में, देखिए लोग ये आंसर दे रहे हैं डी, मैं बता दे रहा हूं ये आंसर क्यों नहीं होगा। स्टूडेंट आपको देखता हमेशा है लेकिन सीखता कितना है, है ना? एक टीचर को, आदर्श शिक्षक को देखता है तो क्या सारे स्टूडेंट ये तय कर लेते हैं कि मेरे को उनके जैसा बनना है कि नहीं? बात सही है ना, नहीं हो सकता। तो यहां पर ये भी नहीं है, ये आंसर आप लोग दे रहे हैं ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिए। क्या होगा, आप लोग अगर कोई विद्या मंदिर, शिशु मंदिर या ऐसे किसी विद्यालय से पढ़ा होगा तो वहां एक वो चलता है, क्या नाम है, नैतिक शिक्षा का एक अलग ही पीरियड चलता है, एक वो सप्ताह में एक दिन दो दिन का होता है, ठीक है, वहां पर चलता है। तो क्या होता है, सामान्यता जो है नैतिकता मूल्यों पर आधारित कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है, वो किसी की भी हो सकती है, तो वो कहानी सुनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, नैतिक मूल्य को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कहानियां सुनानी पड़ती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, 21वां क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहां शिक्षक के पास शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण कक्षा का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि, क्यों होना चाहिए, जल्दी आंसर दीजिए। अभी तक तीन गलत है प्रिय तिवारी, कोई बात नहीं आंसर दीजिए, अभी 50 क्वेश्चन है और गलत होंगे, जल्दी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सी आंसर आ रहा है, बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग, सब सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है, संदीप सर ने सब आंसर सी लगाए हैं, मान लग रहा है सबको। अधिगम के लिए उचित माहौल निर्मित होता है, यानी कि क्या होता है, शिक्षण कक्षा का व्यवहार जो है, शिक्षक का कक्षा व्यवहार क्या है, अच्छा होना चाहिए, क्यों क्यों अच्छा होना चाहिए, जिससे पढ़ाई करने के लिए उचित माहौल निर्मित हो सके, क्या हो सके, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल बन सके, इसके लिए शिक्षक का कक्षा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, टीचर का भी क्लास का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर वो हमेशा डांटता रहे तब तो बैठ जाओ, नहीं करना है, सबको डांटता रहेगा, माहौल अच्छा नहीं बनेगा, है ना, तो इसलिए सी होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22वां क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को अच्छा व्यवहार स्थापित करने के लिए चाहिए कि वह, अच्छा व्यवहार स्थापित करने के लिए टीचर को क्या चाहिए, जल्दी आंसर करके बताइए। सर मैं आपकी क्लास में नया हूं, आपकी क्लास रेगुलर लगती है, प्लीज रिप्लाई करिए। जी जगदीश पटेल जी लगती है, और डेली लगती है 10 बजे, कई बार अभी बीच में मेरी एक तबीयत खराब थी तो एक दो दिन नहीं लगी, संडे क्लास मेरी नहीं लगती है, लेकिन आपका एग्जाम 24 से शुरू हुआ है और 5 नवंबर तक चलेगा, डेली क्लास लूंगा 10 बजे, कोई ना कोई प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की, इसलिए लगे रहिए, जिन जिन के क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। आंसर चल रहा है डी और बी में ज्यादा चल रहा है, सब लोग फिर सी पे अटके हैं, और सी ही आंसर भी है, प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, क्या होता है, अगर कोई अच्छा टीचर है तो उसको, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से नहीं, क्लास में। ऑनलाइन माध्यम से तो मैं कमेंट भी आपके नहीं पढ़ पा रहा हूं सबके, और बहुत लोग नाराज भी हो रहे होंगे सर आप उनके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे माफ करिएगा, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ सकता क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट ऊपर जाते हैं ना, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी दिखता है नाम एक आध बार बोल देता हूँ, जैसे मुकेश कुशवाहा जी ने आंसर दिया है 22 का बी, आंसर गलत हो गया है मुकेश कुशवाहा जी का, कोई बात नहीं, आगे तैयारी करिए, खुशी संतुष्टि मिलती है, क्या लिख रहे हैं भैया, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसके बाद 23वां क्वेश्चन देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आप पर यह आरोप लगाता है कि आपने उसे कम नंबर दिए तो आप क्या करेंगे, बताइए, आरोप लगाता है कि आपने उसे परीक्षा में कम अंक दिए हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक टीचर हैं, जल्दी बताइए आंसर। सभी लाइक ठोको, राजीव परियार धन्यवाद आपका, सभी लोग लाइक ठोकिए भाई, इतने लोग आए हो बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी कि सब लोग लाइक तो एक बार बनता है ना। परवाज आलम सी, बहुत अच्छे, विपिन सी,
सब लोग सी, वो संदीप सर सी लेके आए ना, इसलिए सब लोग सी बोल रहे हैं। इसका आंसर होगा उसे उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाकर कम अंक पाने का कारण बताएंगे। एक आदर्श शिक्षक होता है, वो उसकी कॉपी दिखा करके बताएगा कि आपको क्यों अंक कम दिए गए। आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन वास्तविकता में कॉलेज स्कूलों में ऐसा होता है। आज भी कॉपी दिखाई जाती है, पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाता है और एग्जाम के बाद पेरेंट्स मीटिंग में दिखाया जाता है कि आपके बच्चे ने इतना किया है ना। आप लोग को मालूम है, सब लोग को मालूम होगा, कभी स्कूल में पढ़े हैं आप लोग तो। कई लोग तो ऐसे भी कलाकार होते थे कि कम नंबर पाए, फेल हो गए हैं, तो किसी रिक्शे वाले को पकड़ के पापा बना के ले जाते थे कि अंकल 100 रुपये दूंगा, पापा बन के चलो, है ना। ऐसे कई कहानियां आपने सुनी होंगी, मजाक कर रहा हूं। फिर आगे विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन, विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन किसके संबंध में प्रभावी होता है। भावनात्मक समायोजन का मतलब जुड़ना मिलना, ठीक है। भावनात्मक समायोजन किसके संबंध में प्रभावी होता है, जल्दी बताइए किसके संबंध में, यानी किसके संबंध में पूरा होता है, यह आंसर देना, जल्दी आंसर दीजिए। डी आ गया इसका आंसर, सभी लोग कह रहे हैं डी। कुछ ने सी दिया, अंजलि, अंजलि ने दिया है सी, पूजा डी, बहुत बढ़िया। और ये पिंकी महतो ने नाम दिया है इसका, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया इन सभी के संबंध में, इसका आंसर ये होगा कक्षा शिक्षण के, व्यक्तित्व निर्माण के और अनुशासन तीनों के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, इन सभी के संबंध में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यदि कोई विद्यार्थी आपके प्रश्न का काफी सही उत्तर दे रहा तो आप क्या करेंगे उस टाइम। अगर आप टीचर हैं, कोई विद्यार्थी आपके प्रश्न का काफी कुछ सही उत्तर दे बता देता है तो आप क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा और वो नियर अबाउट तक बता ले गया, पूरा नहीं बता पा रहा है लेकिन 80% 60% आंसर सही बता रहा है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आंसर दीजिए जल्दी। सर मेरे 25 सितंबर को एग्जाम है तो जो बाकी करा दीजिए, कराएंगे कराएंगे, वही चल रहा है भैया, आप परेशान होइए। यदि आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप लोग आएंगे तो मैं दोपहर में भी एक प्रैक्टिस सेट किसी और यूनिट का लेके आऊंगा। मैं खुद चाहता हूं कि 10 यूनिट के एक प्रैक्टिस सेट हो जाए ताकि आप लोग को ये तो हो जाए कि हाँ सर ने इतना करा दिया है कि हमारे 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, जिसके 35 फर्स्ट पेपर में सही हो रहे हैं और उधर 60-65 के ऊपर जा रही है गाड़ी। मान लीजिए कि JRF मिलने वाला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी है ठीक। आंसर आपका जो आ रहा है, ज्यादातर लोग डी और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आंसर बी होगा। उससे प्रोत्साहित करेंगे, क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। क्या होता है जब प्रश्न पूछा और बच्चा बोलना शुरू किया, हाँ बेटा शाबाश शाबाश, हाँ आगे, और ऐसा करते हैं ना टीचर, तो इसका मतलब अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं उसको करने के लिए, है ना। तो ये इसको कहते हैं प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ बेटा शाबाश बताओ, है ना, तो वो है ये, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जरा समझ लीजिए ठीक से। क्वेश्चन क्या है, यहां दो कथन दिए हैं, पहले कथन पढ़ेंगे। कथन कह रहा है, आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, चलिए कथन देखते हैं। कथन कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा का उद्देश्य, किसका, हायर एजुकेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच में आलोचनात्मक, देखिए शब्द समझिए, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना है। क्या है, हायर एजुकेशन की जो पढ़ाई है वो बच्चों में किसी भी चीज की कैसे आलोचना करनी है या कैसे क्रिएटिविटी करनी है, रचना कैसे करनी है, क्रिटिसाइज कैसे करना है और उसकी रचना कैसे करनी है, क्रिएटिविटी कैसे करनी है, उन दोनों के चिंतन स्तर को प्रोत्साहित करता है। माने उनका सोचने समझने की क्षमता, यानी वो किसी चीज को कैसे बनाएं या किसी चीज की कैसे आलोचना करें, इसके लिए हायर एजुकेशन होता है। ये बात यही है, विद्यार्थियों के बीच में आलोचना और रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना क्या है, उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का उद्देश्य है। ये है क्या, कथन ए। अब कथन आर क्या है, इसको देखिए। कहता है इन योग्यताओं में नौकरी मिलना सुनिश्चित हो जाता है। किन योग्यताओं में, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन अगर आ जाता है तो नौकरी मिलना आसान हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। ये आर और ए कथन हो गए। अब आंसर दीजिए इनके आधार पे, इन कथन का, मैंने कथन दोनों समझा दिया आपको, चलिए आंसर दीजिए। मैं साइड में हूं, जरा जल्दी दीजिए। चलिए ज्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, बहुत अच्छे। अब तक किसी का सही आया नहीं है, बहुत अच्छे। हाँ अब आ रहा है, अरे इतनी तेज निकल रहा है, दिख भी नहीं रहा है। चलिए शिवानी वेरी गुड, रश्मि, राजीव, मुकेश, बहुत अच्छे, आप सभी लोग सी वाले भी जो है दे रहे हैं आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा देखिए, धन्यवाद पिंकी महतो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
पिंकी मातो ने बताया है ये, ठीक है। तो ये आंसर है आपका बी, यही सही आंसर है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भाई किसी की आलोचना करना और रचनात्मकता क्रिएटिविटी आ जाए तो क्या नौकरी मिल जाती है? बेसिक ज्ञान ना हो तो नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन उच्च शिक्षा का उद्देश्य ये जरूर प्राप्त कराना है, यह होना चाहिए। लेकिन इसके आधार पर नौकरी मिले यह पक्का नहीं होता है, ठीक है। किस इन योग्यताओं के आधार पर नौकरी मिलना सुनिश्चित हो जाता है, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए ए आर की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन कथन दोनों सही है, ठीक है। यहां पर कह रहा है इन योग्यताओं के आधार पर कह रहा है कि नौकरी मिलना सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है ए और आर कारण दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या हो सकती है क्या? नौकरी मिल सकती है? तो नहीं होगा। तो इसका आंसर जो ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं वो सी दे रहे होंगे। क्यों? उनको लग रहा होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ज्यादातर लोग क्या कह रहे होंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहां पर भी अगर इन योग्यताओं के आधार पर नौकरी मिलना सुनिश्चित हो जाता है, ये क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से भी गलत है। ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर दीजिए। इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि ए सही हो सकता है आर नहीं सही हो सकता। अगर यहां पर यह लिखा होता कि इनके आधार पर नौकरी मिलना की पूर्ण संभावना नहीं होती है तो यह सही हो सकता था, अन्यथा नहीं। यह क्वेश्चन मिस्टेक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इस क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर सी होगा, आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण से गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण की परियोजना पद्धति। क्या कह रहा है? शिक्षण की परियोजना पद्धति, परियोजना पद्धति क्या है उसके बारे में बताना है आपको, किस पर आधारित होती है, जल्दी कमेंट करके बताइए भैया। राजीव परिहार सबसे पहले आंसर दे रहे हैं, ब्रजेश कुमार, परमानंद कुमार, निकिता सिंह, अरविंद शर्मा, प्रभा भारद्वाज, बहुत अच्छे, आप सबका आंसर दिख रहा है और ए आंसर शुरू हो गया है ना। आंसर यही है, विद्यार्थियों के क्या है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। शिक्षण की परियोजना पद्धति विद्यार्थी केंद्रित होती है, स्टूडेंट केंद्रित होती है, ना कि महाविद्यालय पाठ्यक्रम और समाज नहीं होता है। क्या होता है? स्टूडेंट केंद्रित होती है, जैसे स्टूडेंट वैसी परियोजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रोजेक्ट शिक्षण, ये एक शिक्षण की पद्धति है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जो मैंने वहां पद्धतियां पढ़ाई थी आपको, जो उनमें था ये प्रोजेक्ट शिक्षण विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। क्योंकि क्यों प्रदान करती है, व्यवहारिक ज्ञान क्यों प्रदान करती है उसके बारे में बताना, आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। लोगों का आंसर भी शुरू हो गया, उपासना राठौड़, मंजूषा निस्ताने, पवन कुमार, निकिता सिंह, बहुत अच्छे आप सभी का रहा है, रौली गुप्ता, शिवानी गौर, ज्योति सिंह, अमिता सिंह, दीप नारायण तिवारी, बहुत अच्छे, भूपेंद्र, मोहम्मद हुसैन, बहुत बढ़िया, आप सब लोग का बहुत अच्छा आ रहा है। ये आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसमें आंसर होगा, इसमें विद्यार्थी का निजी अनुभव उसके ज्ञान का आधार बन जाता है। जब भी आपको कोई परियोजना पद्धति मिलती है, परियोजना पद्धति के प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें आपका जो निजी ज्ञान होता है, जो पर्सनल नॉलेज होता है, यह उसमें हेल्पफुल होता है। इसलिए क्या होगा आंसर होगा ये, ठीक है। ए इसका आंसर है, आप लोगों ने ज्यादा लोगों ने करेक्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29वां क्या कहता है, कहता है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि जो है, प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना परीक्षण का एक विधि है। क्या है? प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है। मैंने एक क्वेश्चन ये है, आंसर बताना है कि क्या होगा। परीक्षा क्या है? परीक्षा कल्पना की एक विधि, यानी परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल की बात कर रहा है, आंसर दीजिए जल्दी, ठीक है। दूसरा, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए चर नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं, चारों में आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। पूनम वर्मा, डी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग आंसर भी बहुत करेक्ट दे रहे हैं। ये ऊपर वाले सबका सही कराए फर्स्ट पेपर और सब लोग अपने अपने लक्ष्य में जेआरएफ तक पहुंचे। वैसे तो जेआरएफ लिमिटेड मिलता है, पर बाकी आपका भी कुछ भाग्य होगा। आंसर आपका ज्यादातर लोग सही दे रहे हैं, परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है। क्या है? परिकल्पना परीक्षण की एक विधि। जब हम ऊंची क्लास में, आप लोगों ने एमए किया होगा, एमफिल किया होगा, तो आपने जो एक लघु शोध किया होगा, उस लघु शोध में भी प्रयोगात्मक विधि का उपयोग किया होगा। एक परिकल्पना लेके चलेंगे आप, एक हाइपोथीसिस लेके चलेंगे दिमाग में, उसी का परीक्षण किया जाता है इस विधि द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल। क्या कहता है?
एक विशिष्ट शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु, क्या दक्षता लाने हेतु यानी परफेक्ट करने के लिए दक्षता लाने हेतु शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें? एक विशिष्ट शिक्षण कौशल, एक स्पेशल टीचिंग स्किल की बात कर रहा है कि स्पेशल टीचिंग स्किल में दक्षता लाने यानी परफेक्शन लाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधि का नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी शिक्षण विधि हो सकती है। भूमिका निर्वहन, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेशन और प्रदर्शन, कौन सी विधि है? विधि मैंने आपको बताई है, 18 से ज्यादा विधियां थी, वहां मेरा लेक्चर देखेंगे जिसको नहीं समझ में आया। बहुत अच्छे सब लोग, बहुत अच्छा दे रहे हैं भाई, आप लोग तो बहुत पढ़ लिए हैं, मुझे लग रहा है सब क्वेश्चन ठीक करके आएंगे आप लोग। ठीक, सब लोग का, ज्यादातर लोग का ठीक है आंसर। इसका आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण। कैसा शिक्षण होगा? सूक्ष्म शिक्षण होगा, बारीक शिक्षण होगा। ठीक है, कैसा? सूक्ष्म शिक्षण होगा। आप लोग का सबका सही है सी। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी चीज को परफेक्शन लाना होता है तो हमको उसको बारीकी से गहराई तक पढ़ना होता है कि नहीं पढ़ना होता है, इसीलिए परफेक्शन आता है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब वही है, एक एक चीज को गहराई से पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, ट्यूटोरियल विधि। ट्यूटोरियल विधि किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? चलिए जल्दी आंसर दीजिए, बहुत सरल है ये जो है पिछली बार आ रखा है एक परीक्षा में क्वेश्चन, जल्दी बताइए। 10 सेट में से एक सेट में यह क्वेश्चन आ चुका है एक बार। दीप नारायण तिवारी डी, रौली गुप्ता बी, परमानंद बी, शुभम मिश्रा ए, सर क्या लिखा? कठिनाई? अरे मेरे होते हुए कठिनाई कैसी? बहुत अच्छे, देखते रहिए। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर ज्यादातर लोग दे रहे हैं डी और कुछ लोग बी। इसका आंसर है बी, विद्यार्थी नियंत्रण शिक्षण। क्या होगा? ट्यूटोरियल विधि में क्या होता है? विद्यार्थियों के नियंत्रित करने का शिक्षण होता है ये। कैसा होता है? विद्यार्थियों को नियंत्रित करने के ट्यूटोरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है शिक्षण सामग्री मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताइए आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, गलत नहीं देना कोई भी, सोच समझ के जवाब देना। रागनी राय बी, श्याम किशोर डी, बेइज्जती मत कराओ यार, कम से कम इतना तो रखो। प्रियराज तोमर, शुभम मिश्रा, बहुत अच्छे है आप लोग आंसर, बहुत लोग इतना ठीक दे रहे हैं कि क्या बताएं। चलिए इसका आंसर क्या है? मैंने बताया था कि जो शिक्षण सामग्री होती है, मैंने इसमें दो बात बताई थी कि शब्द क्या है, शिक्षण सामग्री मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। एक बात मैंने पांच प्रकार वहां पर आपको बताए थे, जिसमें से एक दृश्य था, एक श्रव्य था, एक दृश्य श्रव्य था, इसके अलावा क्या बताया था मैंने, एक क्रियात्मक था और एक प्रायोगिक था। क्रियात्मक और प्रायोगिक भी जो है इन्हीं तीनों में से एक प्रकार से ही निकल के आता है, लेकिन उसको समझाने के लिए दो अलग प्रकार बना दिए गए थे। सामान्यता इन्हीं तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दृश्य सामग्री होती है जिसको हम देखते हैं, पढ़ाई करने के जिसको देख के पढ़ते हैं, श्रव्य सामग्री जिनको देख करके समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री हमारा टीवी जिसको देखते भी है और सुनते भी है, ऐसी चीजें पिक्चर वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह, इनसे। तो ये तीनों सामग्री होते हैं, तो आंसर होगा डी, तीन प्रकार की। ठीक है, इसका आंसर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तकें, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे यार क्या हो गया, कट। हाँ ठीक, कभी कभी बोर्ड गड़बड़ कर देता है। ठीक है, बुक्स, जनरल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, वास्तविक पुस्तक, पिक्चर या चित्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि को किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है? आपको सिर्फ नाम बताना है कि ये सारी चीजें किस प्रकार की शिक्षण सामग्री हैं। कमेंट जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। निशु कुमारी, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, जाना नहीं है, आंसर देना है, जल्दी जल्दी करना है, बताइए आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा, ये सारी सामग्री किताब विताब सब देख के पढ़ते हैं, आंसर होगा दृश्य सामग्री। आप लोग सब लोग सही दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर होगा दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शिक्षण सामग्री काफी उपयोगी होती है क्योंकि, शिक्षण सामग्री जो है वो काफी उपयोगी होती है, क्यों होती है? आंसर जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ए ए सी डी बी सब चल रहा है। किट्टू यादव, जुनैद अंसारी, पूनम गिरी, गीता धुरिया, डॉक्टर विजय शर्मा, क्या है, विजय निशुन शर्मा,
बहुत बड़े बड़े जल्दी जल्दी निकल रहा है, समझ में नहीं आता है कई बार। कोई बात नहीं, आंसर लगे लेकिन फिर भी सब लोग ज्यादातर सही दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अधिगम को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है। क्या करती है? शिक्षण सामग्री, पढ़ाई को जो लर्निंग होती है हमारी, उसको ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है। क्या चीज? शिक्षण सामग्रियां। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक श्रव्य दृश्य सामग्री है? श्रव्य दृश्य माने ऐसी सामग्री जिसको सुन करके और देख करके सीखते हैं। बताइए जरा नाम, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से। ओपी सरवरिया, सोना सिंह, बाबूलाल सैनी, सी, सब लोग सी दे रहे हैं, जल्दी से। बोल, बिल्कुल सही आंसर है, श्रव्य दृश्य होता है ये। रेडियो खाली सुना जाता है, टेप रिकॉर्डर सुना जाता है, लेकिन टेलीविजन क्या होता है? टेलीविजन को सुनते और देखते दोनों है। ठीक है, तो आंसर हमारा योग। प्रोजेक्टर पारदर्शिता नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, नाम कंफ्यूजन के लिए डालता है, सिर्फ टेलीविजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कंप्यूटर भाषा किस प्रकार की है? आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो एक मजे का क्वेश्चन और समझाने वाला हूं। कंप्यूटर भाषा किस प्रकार पर आधारित होती है? कंप्यूटर की भाषा कैसी होती है? अंक संख्या पद्धति, प्रतीक, श्रेणी या विषम पद्धति? जल्दी बताइए आंसर। सर मेरा पेपर नहीं है, फिर भी आपकी क्लास लगाना अच्छा लगता है। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। पेपर नहीं होने पर मतलब इतनी लालसा पढ़ने की, भगवान करे कि आप भी दे दे एक बार नेट का एग्जाम और आपको देख के बारे में हो जाएगा। बहुत आंसर सबका ए और बी में आ रहा है, बहुत अच्छे। कंप्यूटर की भाषा आपको पता होगा संख्या पद्धति होती है। संख्या पद्धति को कंप्यूटर की भाषा कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, जो जीरो और वन के फॉर्म में होता है। किसमें होता है? जीरो और वन के फॉर्म में होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा संख्या होती है, नंबर होते हैं, जो कि जीरो और वन होता है। आप लोग को एक प्रश्न इससे संबंधित बताने की इच्छा है, बता दूं? एक बार हाँ कर दीजिए तो बता दूंगा। एक कंप्यूटर का प्रश्न आता है हर बार, जल्दी से करिए, जल्दी लिखिए, यस सर लिखिए तो मैं भेजूं। धन्यवाद आपको कि मेरी क्लास लेते हैं आप, बहुत बढ़िया। बता दूं? हाँ, देखिए ये बात, ये मन की बात की आपने, मैं मोदी जी वाली बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आंसर बताना। ठीक है, बताना है। अरे यार दुखी हो जाता हूं कभी। 75 का, किसका? 75 का बाइनरी डिजिट बताइए। जीरो और एक के फॉर्म में होता है ना बाइनरी डिजिट। 75 का बाइनरी डिजिट बताइए। कंप्यूटर का क्वेश्चन हर बार आता है नेट में, जल्दी से कोई लिख के बताइए अगर निकालना आता हो तो। अर्चना गुप्ता, मैंने भी बाइनरी बताया था, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। आप लोग सब लोग बताइए। ब्रजेश कुमार, रागनी कुमारी, चलिए बताइए, जल्दी बताइए 75 का बाइनरी डिजिट। कोई जल्दी से निकाल के बताए, फिर मैं निकालना बताता हूं। नहीं मालूम, सब लोग यस सर कर रहे हैं भाई, कोई है? ये देखिए श्वेता चौधरी ने भेजा निकाल के, ये तो वही गलत है, 7015 तो गलत है, 1101, जल्दी बताइए कैसे निकालते हैं। चलिए मैं बता देता हूं एक सरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आप लोग को सबको मालूम होगा। सबसे पहले गिनती लिखिए, 1 2 4, 4 के बाद 8, सॉरी एक मिनट यहां से मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं 75। ठीक है, अब इसका बाइनरी डिजिट निकालना है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में होता है, कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले यहां 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 8 लिखिए, 16 लिखिए, 32 लिखिए। ठीक है, 32 लिखिए, 64 लिखिए, इसके आगे भी लिख सकते हैं। ये न कॉमा लगा दिया मैंने इसलिए कि ये सारे अलग अलग नंबर हैं। अब ध्यान से देखिए, एक को छोड़ दीजिए, सब एक दूसरे के क्या है, इंटू करते जाए। 2 का 2 का 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। समझ गए? यहां तक बाइनरी डिजिट की बात समझ गए होंगे। अब आकर इनमें से पूछा क्या है, प्रश्न पूछा है कि 75 का बाइनरी डिजिट बताना है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग? 75 का बाइनरी डिजिट निकालने के लिए सिर्फ ये करना है आपको कि नियरेस्ट संख्या को उठाना है। इसकी नियरेस्ट संख्या क्या है? 64 है, 64 के नीचे 1 लिख दीजिए। अब 64 और 32 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। अब हमको कितना चाहिए? 64 और 6 4 10, यानी हमको कितना चाहिए? 64 है और 6 यहां पर, 70 और 5 75, हमको कुल कितना अंक चाहिए? 9 अंक और चाहिए।
6 और 5 11, कुल 11 अंक हमको चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, इन दोनों को जोड़ने पे 75 से ज्यादा हो जाएगा इसलिए। अब 16 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, क्यों, 16 और 64 कितना होता है 70 और 10 80 हो जाएगा, तो यहां भी नहीं बन रहा है, 0 कर देंगे। अब देखिए 64 और 8 कितना होता है, 72 होता है, ये हमारे काम का हो सकता है इसलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, 72 के बाद अब क्या कमी रह गई, 72 में 3 और जोड़ेंगे तो 75 होगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं, इसको 0 कर दो। 2 जो है ये 1, 2 और 1 चाहिए, यानी 3 अंक चाहिए थे ना अब तक हमको, तो इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। अब बाइनरी डिजिट क्या बनी, 100 1011, ये आपकी बाइनरी डिजिट हो गई, 75 की बाइनरी डिजिट ये हो गई। कैसे हो गई, 64 के नीचे 1 डाला क्योंकि 64 हमको चाहिए था, 32 नहीं चाहिए, 16 भी नहीं चाहिए, 8 चाहिए क्योंकि 64 और 8 कितना होता है, 64 और 8 कितना होता है तो 72 होता है, 72 होता है, सो 75 हमको पहुंचना था, तो उसके बाद क्या होगा, 4 डालेंगे, अगर 72 में 4 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 76 होगा, नहीं चाहिए हमको, 75 लाना था, तो 4 के नीचे भी 0 हो गया। फिर 2 और 1 क्योंकि 3 ही अंक चाहिए, 72 हमको मिल चुका है इन दोनों अंकों को जोड़ने से, इसको और इसको, इसको और 8 को जोड़ने से, यानी कि अब देखिए हमने क्या क्या अंक लिए, 64 के बाद हमने लिया 8 को, उसके बाद लिया 2 को और 1 को, इन अंकों के सामने 1 लगा दीजिए इस सीरीज में, तो यहां क्या होगा, 100 1011, ये बाइनरी डिजिट हो गई इसकी, ये तरीका होता है निकालने का। ठीक है, ये आसान तरीका है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए जान के समझाया कि इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन 2 नंबर दिलाएगा और हर बार आता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसके पर ही एक वीडियो बना दूंगा कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह में रखा गया है। श्यामपट माने क्या होता है, मैं बताऊंगा नहीं, श्यामपट समझते होंगे तो जवाब देंगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा। श्यामपट को शिक्षक सहायक सामग्री के किस समूह में रखा जा सकता है, समूह ये रहे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छे, ए ए ए ए सब लोग ए बोले हैं, वेरी गुड, वाकई में ए में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड, ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, इस पर मैं लिख तो रहा हूं ना, तो लिख रहा हूं और इस पर लिखा हुआ ही आप पढ़ के जवाब दे रहे हैं, तो ये दृश्य सामग्री है, कौन सी सामग्री है, दृश्य, आप आंखों से देख के सीख रहे हैं, इसलिए ब्लैक बोर्ड जो है वो क्या होता है, दृश्य सामग्री होता है। ठीक है, दृश्य सामग्री होता है, शिक्षण की कौन सी सामग्री, दृश्य सामग्री, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, मैंने बताया था शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक अनौपचारिक होती है, तो अनौपचारिक शिक्षा पूछ रहा है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है यह बताना है, जल्दी बताइए। थैंक्स सर, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लेक्चर, थैंक यू। गीतू राज क्या नाम था भाई, मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक बार फिर कमेंट करिए, पढ़ लूं शायद, कोई बात नहीं, चलिए आंसर दीजिए इसका, ज्यादातर लोग डी दे रहे हैं, बहुत अच्छे, सी डी, बहुत बढ़िया, कोशिश आप लोग की बहुत अच्छी है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, आंसर इसका होगा सामुदायिक समन्वय। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो लेना आवश्यक नहीं है लेकिन वह मिलती रहती है, यानी कि जो व्यापक अर्थ था शिक्षण का उसमें मैंने क्या बताया था, जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है, यह कैसी शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, लेकिन जो स्कूल में जाकर सीखते हैं वो कौन सी शिक्षा होती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा का क्या कार्य है, शिक्षा का प्रसार करना, यह है कैसे, यही कोई धर्माचार्य आके गांव में कथा करते थे, ज्ञान की बात बताते थे, वो एक शिक्षा का प्रचार प्रसार था। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण भी होता है, कथा वगैरह आप लोग अलग अलग प्रकार से सुनते हैं, धार्मिक कथाएं वगैरह सुनते हैं, तो संस्कृति का संरक्षण होता है एक तरीके से। ठीक है, आर्थिक संचय और लाभ अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है, क्यों, कथा करते तो आप कथा का पैसा भी देते हैं ना, है ना, तो वो ये भी होता है, लेकिन सामुदायिक समन्वय नहीं होता है, सामुदायिक समन्वय नहीं होता, इसलिए आंसर सामुदायिक समन्वय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत छोटा है, आंसर बहुत बड़ा है, इसका आंसर आप लोग देंगे, इसमें एक मिनट दूंगा। एक प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता क्या है, जल्दी से पढ़िए, हमको बताइए,
मैं हट गया हूं बोर्ड पर से, जल्दी से पढ़िए पूरा और हमको बताइए। मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी कमेंट करिए, कमेंट रुक गए, जल्दी करिए भाई, कमेंट नहीं आ रहे हैं। कुंती नीता बहुत बढ़िया, गुरतेज, गुरतेज जी थैंक यू वेरी वेरी, धन्यवाद धन्यवाद गुरतेज जी। डॉक्टर क्या है भाई, दिख नहीं रहा क्या मुझको पास से भी, थोड़ा दूर कर ले क्या। चलिए आंसर दीजिए ए, आपका सबका आंसर ए और डी में टिक गया है। चलिए इसका आंसर जो है ए पूरा आप पढ़ लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, टाइम बहुत जाने वाला है, लेकिन ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर होगा डी, ये सभी होगा। क्यों, एक अनावश्यक मांगे क्या है, इसे अनावश्यक मांगों के बिना उपयोग किए और उन्हें अस्तित्व में लाए बिना किया जा सकता है। किसको, मूल्यांकन को। एक प्रभावी मूल्यांकन में इन सभी बातों की क्षमता होती है कि उसे पाठ्यक्रम के सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है और इसे शिक्षण के प्रारंभ, अध्ययन के क्षेत्र एवं पाठ्यक्रम शिक्षा के अंत में भी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा पाठ्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण आयामों यानी कि लिखित पढ़ाए गए समर्थनकारी, इसका परीक्षण किया जा चुका है, जिससे सीखा जा चुका है, उन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। या मैंने आपको बताया था मूल्यांकन किसी भी चरण पर हो सकता है, किसी भी प्रक्रिया पर, किसी भी समय हो सकता है, और स्टूडेंट जब आता है स्कूल में उसकी यूनिफॉर्म से लेकर के उसके रहन सहन, उसके व्यवहार, उसकी कॉपी देने, उसके परीक्षा देने, हर चीज में मूल्यांकन किया जा सकता है। ये इसलिए सारा का सारा कथन ठीक है, इसलिए आंसर होगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, क्या कहता है देखिए, ये कूट मिलान का है, जरा कूट दीजिए तो इसको एक बार। क्या क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूचियों को आपस में सम्मिलित करिए यानी मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ये आपके दे रखे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा और हट के बताता हूँ। यहाँ दे रखा है रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक, क्या संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन और परंपरागत परीक्षण। ये चार बातें दी हैं, सूची दो में दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर। तो क्रियान्वयन स्तर पर किसकी आवश्यकता होती है, पाठ के अधिगम द्वारा विद्यार्थियों के विकास का आकलन है, इस पर होती है किसकी, जल्दी से बता दीजिए एक बार तो, कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, रोशनी गुप्ता बी, आपने आंसर दिया है बी, बिल्कुल सही आंसर है। रोशनी गुप्ता को सब लोग बधाई दे दें, आपने बाइनरी डिजिट बड़ी देर में निकाली, कोई बात नहीं, लेकिन निकाली तो आपको इसके लिए धन्यवाद, कोई बात नहीं। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन क्यों है, कहाँ आवश्यकता होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर होती है, जब एक्टिविटी चल रही होती है। संकलनात्मक मूल्यांकन पाठ के अधिगम द्वारा विद्यार्थियों के विकास के आकलन के लिए जरूरत पड़ती है। सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन अंतिम अधिगम प्राप्ति को ग्रेडिंग प्रदान करता है, सतत यानी लगातार और विस्तृत माने बड़ा। परंपरागत परीक्षण जो है वह क्विज और चर्चा के लिए काम आ सकता है। ये चारों जो है क्या है, इन चारों का आंसर क्या है, सबका आमने सामने ए बी सी डी, बी आंसर होगा इसका, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इससे बन दूसरे तरीके से प्रश्न ये वाला बन के आएगा परीक्षा में। वॉचिंग ज्यादा है लेकिन लाइक कम, सारे लाइक करो, धन्यवाद धन्यवाद गुरतेज जी, बहुत बढ़िया, बात सही कह रहे हैं, वॉचिंग ज्यादा है, लाइक कम है, लाइक ज्यादा करिए। 41वें क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली, जो अभी एट प्रेजेंट हम लोग की वर्तमान वार्षिक परीक्षा की ईयरली एग्जाम की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसके बारे में कहा गया है, इनमें से कौन सी बात ठीक है, जरा बताइए कौन सी बात ठीक बैठ रही है, आंसर दीजिए जल्दी। सी, प्रियराज तोमर ने सी आंसर दिया है। कुंती नीता बी, ब्रिजेश कुमार बी, शशि प्रभा डी, परमानंद कुमार बी, बहुत अच्छे, सब लोग लगभग कोशिश कर रहे देने की, इसका आंसर होगा बी, अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है। क्यों, सेमेस्टर प्रणाली ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है ईयरली एग्जाम की अपेक्षा, क्योंकि जितना जल्दी एग्जाम आता है बच्चे पर उतना ज़्यादा दबाव होता है पढ़ने का, कि नहीं हमको पढ़ना है, क्योंकि हमारा तो 6 महीने बाद पेपर है, कोई कहता है हमारा 2 महीने बाद पेपर है। इसलिए आप लोग को मालूम है कि छोटी कक्षाओं में मंथली एग्जाम होता है,
सेकेंड मंथली एग्जाम होता है, थर्ड मंथली एग्जाम होता है, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ठीक है, फिर ईयरली एग्जाम होता है, कई प्रकार के एग्जाम होते हैं। ये जो एग्जाम होते हैं ये बार बार होने का नतीजा होता है कि बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। वार्षिक परीक्षा प्रणाली पढ़ने की अच्छी आदत को प्रोत्साहित नहीं करती। बच्चों को पता है अरे साल में अगले वो मार्च में एग्जाम होगा, फरवरी में पढ़ लेंगे, कुछ तो एक के दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं, पेपर पास हो सकते हैं, ज्ञान नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विस्तृत मूल्यांकन की एक प्रमुख विशेषता क्या है। विस्तृत यानी सबसे बड़े जो विस्तार में मूल्यांकन होता है उसकी एक क्या कहता है, एक प्रमुख विशेषता क्या है, जरा बता दीजिए। इसका आंसर बहुत आसान है, जल्दी बताइए। राजीव जी आप मत बताइए किसी को कि कौन रॉन्ग है क्या राइट है। राजीव परिहार जी आई रिक्वेस्ट टू यू, वाह गुड गाय, आपने लाइक किया। गुरतेज जी धन्यवाद आपको, आपके लाइक से ही सब होता है, बहुत बढ़िया, आप सब प्रभु हैं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आंसर क्या है, आंसर सब लोग ए दे रहे हैं, राइट आंसर ए ही इसका आंसर होगा। विस्तृत मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है, निरंतरता, क्योंकि जो विस्तृत मूल्यांकन होता है ये शुरुआत से लेके अंतिम तक, जब बच्चा एडमिशन लेता है तब से लेके और जब तक पास आउट नहीं हो जाता है तब तक लगातार चलता है, इसलिए यह एक सबसे बड़ी विशेषता है विस्तृत मूल्यांकन की, ठीक है। अब चलते हैं 43 नंबर पर। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है समग्र में, समग्र माने समग्र में कुछ भी प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति से किया जाता है उसका नाम पूछ रहा है। समग्र में यानी सारे को लेकर के, समग्र में से कुछ भी प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति से किया जाता है उसका नाम क्या है। चारों में से सिर्फ नाम बताना, जल्दी कमेंट करिए। अजमेर ख्वाजा नगरी की ओर से धन्यवाद गुरुजी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनक्रेडिबल राजस्थान बाय बीएस चिखरावत, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। रौली गुप्ता सी, निकिता सिंह ए, सीताराम कश्यप, बहुत बढ़िया। लखन दुर्वाय क्या लिखा भैया, नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता पढ़ने में। मोहम्मद शेख बी, बहुत बढ़िया, आप लोग लगभग सही दे रहे हैं आंसर, कि आंसर क्या है, कुछ ने सी दिया है, कुछ ने डी दिया है। जिन्होंने डी दिया है राशि मिश्रा, उन्होंने डी बताया, अच्छी बात है। निर्देशन पद्धति होता है, क्या है, निर्देशन पद्धति इसका आंसर है। क्या कहता है, इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन करता है पद्धति को, तो उसका नाम क्या है, नाम क्या है, डायरेक्शन, निर्देशन पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, मेरा बोल बोल के गला सूख गया भाई। एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्न में से कौन सा या से विशिष्टीय अपनाने चाहिए, कौन से विशिष्टीय को अपनाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो किस इनमें से किस विशेषता को अपने जो व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है, उसमें शामिल करना चाहिए। प्लीज आंसर, जल्दी आंसर करिए जल्दी से। सैंपलिंग, दिव्या भी सर सैंपलिंग में कहां पहुंच गई आप जी। सर लाइक करेंगे तो आप और भी अच्छा हमें पढ़ाएंगे। धन्यवाद सबको, अच्छी बात है, नहीं लाइक करना भी चाहिए ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अगर, तो फिर आपको इतना तो करना है, इतना तो बनता ही आपका भी है कि नहीं, तो जल्दी बताइए। बहुत अच्छे आंसर चल रहे हैं, वॉचिंग लेकिन कम हो रही है आप लोग की, मजा नहीं आ रहा है भाई। सटीक और उच्च स्वर, कौन सा स्वर, आंसर जो दे रहे हैं आप लोग, सटीक और उच्च स्वर। एक टीचर अच्छा जो व्याख्यान देता है उसमें जो है वर्ड जो बोले वो एकदम क्लियरली जाए, अगर तुतला के बोलेगा तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्लियरली वॉइस हो और उच्च स्वर हो, बहुत धीमी आवाज ना हो, इतनी आवाज परफेक्ट आए कि आपके कानों तक सीधे जाए तो अच्छा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सटीक और उच्च स्वर होगा, आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है, जरा आंसर दे दीजिए तो खटाक से, कौन सा है जल्दी बताइए। ए ए सी सी सी, भैया पांडे जी क्या लिख रहे हैं आप, आपके जैसा हो क्या हमारे जैसा क्या है, तो बताइए, बेवकूफ, समझदार, अच्छा, खराब, अच्छा। सर थोड़ा पानी पी लियो, आपने सही कहा जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपने मेरा ध्यान रखा, धन्यवाद। लो जी मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है।
मैंने आपकी बात मान ली, चलिए आपका आंसर सबका ए आ रहा है ज्यादातर का, और ए ही राइट आंसर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कौन सा? परमानेंट, जो लगातार चलता है और व्यापक होता है, ऐसा मूल्यांकन होता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे अच्छा है? मैंने आपको बताया था कि वही मूल्यांकन अच्छा होता है जो लगातार चलता रहे और बड़े स्तर तक चले पूरा, वही मूल्यांकन। अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसकी चर्चा मैंने की थी, सतत और व्यापक मूल्यांकन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित में से किसी शैक्षिक संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक कौन सा है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? किसी भी इंस्टीट्यूशन में पता लगाना हो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कैसे पता लगाया जाएगा, एक बार बता दीजिए जल्दी आंसर देके, जल्दी जल्दी आंसर करिए। श्वेता चौधरी ए लिखी है सर, क्या लिख रहे हैं भैया? बहुत अच्छे, चलिए शाबाश। श्याम किशोर जी ए, रिंकी खेतान बहुत अच्छे, सब लोग इधर, शिवांगी, दिव्या, तेजिंदर भाई, विनय सिंह, विनय तिवारी, शुभम कुमार, बहुत अच्छे, सब लोग आंसर सही दे रहे हैं लगभग। छात्रों की उपलब्धि के आधार पे, किस आधार पे होता है? अगर किसी कॉलेज किसी स्कूल की ये देखना है गुणवत्ता, तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसमें संख्या कितनी है। भाई जहां अच्छी पढ़ाई हो रही होगी बच्चे वहीं ना एडमिशन लेंगे, भाई जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही होगी बच्चे ज़्यादातर वहाँ के लिए लालायित होते हैं, वहाँ के लिए तैयार होते हैं कि मेरा एडमिशन काश उस इंस्टीट्यूट में हो जाए। जैसे जो बीटेक करेगा वो बच्चा क्या सोचेगा, काश मेरा एडमिशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में हो जाए, बड़ा भाग्यशाली होगा जिसका हो जाएगा। वैसे आईआईटी का ख्वाब तो देखते ही हैं, मैनेजमेंट वाला आईआईएम अहमदाबाद का ख्वाब भी देखते होंगे, जो लॉ कर रहे होंगे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का ख्वाब देखते होंगे कि हमारा वहाँ हो जाए। ऐसे अलग अलग संस्थाएँ जो बनी हैं उनके लिए देखते होंगे, सोचते होंगे। तो छात्रों की उपलब्धि के आधार पर पता लगता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब एक छात्र एक ही परीक्षा में दो बार बैठता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये बड़ा सरल है, जरा आंसर दे दीजिए, तो बड़ा सरल है, जल्दी आंसर दे दीजिए, जल्दी आंसर करिए, बी, बहुत बढ़िया, एक बार आंसर कर दीजिए जल्दी से। चलिए ए ए ज्यादा आ रहे हैं, ए आंसर आ रहा है, रौली गुप्ता भी ए दी है, शिवांगी सिंह भी ए दी है, देखिए सब लोग दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। सर आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, अरे राजीव परिहार आपका नाम तो मैंने कितनी बार लिया है, आप तो बार बार मतलब, चलिए कोई बात नहीं, जिनका नहीं लिया है वो लोग क्षमा करेंगे मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में उनका भी ले लूंगा। आंसर आप लोग दे रहे हैं परीक्षण पुनः परीक्षण, ठीक है, परीक्षण पुनः परीक्षण, अगर एक छात्र एक ही परीक्षा में दो बार बैठता है तो उसको परीक्षण और पुनः परीक्षण के नाम से जाना जाता है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि के से छात्रों को सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? कौन सी ऐसी विधि है जिससे सबसे अच्छा और सटीक मूल्यांकन हो सकता है? जल्दी करिए आंसर, सी, बहुत बढ़िया, एस के अनुज, बी, वेरी गुड, आप लोग नाम सही दिखा कीजिए, कादिर खान ने भी सी दिखा है, वेरी गुड, कनिका, बहुत बढ़िया आप लोग सबका, रश्मि, सीताराम, अमित, बहुत बढ़िया, आरती, बहुत बढ़िया, आप लोग लगभग सही आंसर दे रहे हैं। निरंतर मूल्यांकन, या निरंतर को क्या कहते हैं, अभी बताया था निरंतर को क्या कहते हैं, सतत मूल्यांकन, या इसी को व्यापक मूल्यांकन भी बोल देते हैं, ध्यान आना चाहिए आप लोग को, यही आंसर होगा। लगातार तीन क्वेश्चन में एक ही आंसर था फिर भी नहीं दे रहे हो, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। क्या कहता है? शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं उन पर जो है समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। कौन से स्तर पर होता है बताइए, लेवल ऑफ टीचिंग मैंने बताया है आपको, आंसर करिए, इसका आंसर गलत नहीं करना कोई, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इसको पढ़ाया था, जल्दी करिए आंसर, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कृपया इसका गलत मत करिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, मैंने बहुत मन से आप लोग को पढ़ाया था। करिए करिए करिए,
चलिए आप लोग का आंसर सही है। ज्यादातर लोगों का चिंतन स्तर पर होता है, चिंतन या विमर्शी स्तर इसको बोलते हो आप लोग, चिंतन या विमर्शी स्तर या विचारात्मक स्तर, तीनों ही शब्द कह सकते हैं, इस पर होता है। क्यों होता है चिंतन स्तर पर? क्योंकि जो पहला स्तर मैंने बताया था वो स्मृति स्तर था, इसमें डाटा को याद कराया जाता है, पहला स्टेज था ये, और दूसरा था अवबोध स्तर, इसमें जो है सिर्फ समझने की चीजों को, कि मैंने बताया था ना आपको कि क्या है कि मान लीजिए मैंने बता दी कोई चीज को आसमान की ओर फेंकिए तो जमीन की ओर आती है, बच्चों को पहले ये चीज याद कराई जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं पृथ्वी में कोई आकर्षण बल होता है, ठीक है। फिर इस स्तर पर आने पर एक पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है, फिर ऐसा याद कराया जाता है। फिर इसके बाद इस स्तर पर कि वो गुरुत्वाकर्षण बल होता किस प्रकार है, किस प्रकार कार्य करता है, उसमें और क्या क्या चीज सम्मिलित होती है, जब हम समस्या समाधान की ओर जाते हैं तो वो चिंतन स्तर हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया था, फिर भी आप लोग आंसर गलत देते हैं, आज मेरा दिल टूट गया। कोई बात नहीं, फिर भी कुछ से चिपका लूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, कहता है अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु, कौन अध्यापक किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए उम्मीदवार यानी स्टूडेंट के चयन हेतु आयोजित किए जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये भैया ये जो है आपका जो नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहां क्या कह रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET। ये टेट कुछ होता है क्या, आप लोग दिए होंगे, आप लोग को मालूम होगा TET है। ये कह रहा है ये किस प्रकार का, ये किस प्रकार का उदाहरण है, सिर्फ ये बताना है। कह रहा है कि जो स्कूलों में लिया जाता है उसके उम्मीदवार जो होते हैं, हम लोग जैसे लोग परीक्षा देते हैं ना, चयन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्न में से किसका उदाहरण है, नियोजित परीक्षण का, अभिक्षमता परीक्षण का, अभिवृत्ति परीक्षण का, उपलब्ध परीक्षण का, बताइए आंसर जल्दी दीजिए, लास्ट आंसर है, इसके बाद कोई जाना नहीं, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा उसके बाद जाना, 2 मिनट और देना। चंद्र कुमार मेहता बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग का आंसर लगभग ठीक है, ठीक है। अभी क्षमता का भाई हम क्यों टेस्ट ले रहे हैं, कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनमें क्षमता है कि नहीं टीचिंग की, वो पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं, इसी को अभी क्षमता परीक्षण की कहते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा हो चाहे वह नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हो, ये सब जो है किसका है, अभी क्षमता परीक्षण की ही प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये यहां तक लास्ट हो गया, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए फिर जाइए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया, मैसेज भी आया, कुछ लोगों ने मेल भी किया, उन्होंने कहा कि सर एक अभी आप लोग का जो किन किन का नेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, एडमिट कार्ड के साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड के साथ एक फॉर्म सा निकल के आ रहा है आज, है ना, उस फॉर्म को घर से भर के ले जाना, उसमें कुछ चीजें पूछी हैं कि आपको 10 दिन 14 दिन के अंदर किसी प्रकार की खांसी जुखाम इस प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपके यहाँ कोई पॉजिटिव तो नहीं था, उसमें एक जगह कॉलम बनाए आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होने हैं, उसके नीचे आपके खुद के सिग्नेचर होने हैं, यहाँ फोटो लगनी है उस फॉर्म में, वो फॉर्म एडमिट कार्ड के साथ ही है, डाउनलोड हो रहा है, इसलिए उसको भर करके घर से ले जाना है। और जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ आपके साइन होने हैं एडमिट कार्ड पे, साइन घर से मत करके ले जाइएगा, सेंटर पे ही साइन करने हैं उसमें, इसलिए घर से नहीं करके ले जाइएगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ये फॉर्म मिल रहा है आपका एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड होगा, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म साथ में डाउनलोड होगा, पता होगा इस बार आपको सबको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ फोटो लगेगी थंब, और यहाँ बगल में अंगूठे का, आपके उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान लगने वाला है, बीच में फोटो अंगूठे का निशान, यहाँ पे अभिभावक के सिग्नेचर और आपके सिग्नेचर, ये तीन काम घर से करके ले जाइएगा और खुद के सिग्नेचर सेंटर पे करिएगा, ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा। ये फॉर्म के बारे में बहुत जानकारी ऊपर जो उसमें लाइनें दी हैं उनको सबको टिक मार्क करना है, घर के करके लेके जाइएगा, ठीक है, ये सब बताइएगा, जानकारी सही देनी चाहिए ताकि किसी और को संक्रमण ना फैले, ये कोविड-19 की वजह से ही रखा गया है, ध्यान रखिएगा ये फार्म को रखा गया है,
जिन लोगों ने पहले परीक्षा दी होगी उनको मालूम होगा इस प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भराया जाता था, इस बार ये नया तरीका है, ठीक है, ये जरूर भराया जा रहा है। और इस जो है कुछ डिटेल जो मांगेंगे उसको सही सही भरिएगा, ये आपके लिए आवश्यक है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था तो मैंने कहा कि बता दूं ये फॉर्म क्यों आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है कोरोना की वजह से। आपको मालूम है ना इस बार एग्जाम 24 से शुरू होके 24 सितंबर से शुरू होके 5 नवंबर तक चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है, इतना लंबा चलने वाला है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए एग्जाम कराए जाएंगे और सेंटर को हर 2-3 दिन में सैनिटाइज कराया जा रहा है ताकि जो है कोई भी पॉजिटिव ना होने पाए। तो अपना ध्यान रखिए, मास्क लगा के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सब लोग का पेपर अच्छा हो, नेट जेआरएफ सबको मिले। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आऊंगा, मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।